जम्मू कश्मीर के किपवाड़ा जिले के डिटकूट गांव में सामुदायिक स्कूली शिक्षा चल रही है। आपको बता दें कि यहां पर सामाजिक विकृतियों को बनाए रखा जा रहा है और बच्चों को मास्क पहने हुए भी देखा जा रहा है। आपको बता दें कि उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के एक गांव ने एक ओपन एयर स्कूल शुरू करके स्कूली शिक्षा पर कोविड-19 लॉकडाउन को तोड़ने की मांग की है। कुपवाड़ा जिले का एक शहर डिटकूट उन छात्रों को एक उपन्यास समाधान प्रदान करता है जो इंटरनेट कनेक्टिविटी और शिक्षा प्राप्त करने की लागत से जूझते हैं, जो अब आधुनिक तकनीक पर निर्भर हैं। उनके लिए कश्मीर के शहर ने पृष्ठभूमि में बर्फ से ढके हिमालय के साथ हरी पहाड़ियों पर ओपन एयर क्लासरूम स्थापित किए हैं। स्थानीय स्कूल के प्रिंसिपल बशीर आहाडार ने कहा कि सुरक्षा उपायों को ध्यान में रखते हुए कक्षाएं संचालित की जा रही हैं, जिन्होंने सामुदायिक स्कूल की स्थापना में मदद की है। यह कदम विशेष रूप से मददगार रहा है क्योंकि कश्मीर में बच्चे महामारी से पहले भी स्कूल से बाहर रहे थे। अगस्त 2019 में केंद्र ने क्षेत्र की विशेष स्थिति को रद्द कर दिया, जिससे 4G इंटरनेट कनेक्टिविटी बंद हो गई थी और बच्चे शिक्षा से अलग वंचित हो गए थे। श्रीनगर से फिरदौस कादर की रिपोर्ट। मेरा नाम है शमसुद्दीन भट्ट, गुशी में रहता हूँ और मैं एक प्राइवेट स्कूल में काम करता हूँ। ये हमने अप्रैल से शुरू की, जब हमने ये देखा कि बच्चों का नुकसान हो रहा है पिछले अगस्त से, जो आर्टिकल का जो एब्रिगेशन हो गया उसके बाद से जो हमने देखा कि बच्चों का बहुत सारा नुकसान हो रहा है, और उस बात को हमने मद्देनज़र रख के ताकि बच्चों के जो नुकसान है उसकी भरपाई थोड़ी बहुत हो, इसके लिए हमने ये क्लासेस शुरू किए। और हमने वॉलंटियर बेस पे बहुत सारे स्कूलों में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको हमने इतला दी कि हम यहाँ पर कम्युनिटी बेस पे क्लासेस शुरू कर रहे हैं, और उनको हमने इतला दी कि अगर आप आ सकते हैं तो आप आ जाइए SOPs को फॉलो करके, और जो प्रिकॉशनरी मेजर्स हमें दिए गए हैं उनको फॉलो करके। तो उन प्रिकॉशनरी मेजर्स को फॉलो करके और SOPs को फॉलो करके हमने ये क्लास शुरू किए, और अल्हम्दुलिल्लाह उससे बहुत फ़ायदा मिला कम्युनिटी को। और ये जो है इस्लामिक गवर्नमेंट स्कूल दिदीकूट की तरफ से, उसके अंडर हमने ये क्लास शुरू किए। और यहाँ पर जो बच्चे हैं वो इकबाल मेमोरियल के भी बच्चे हैं, जो गुशी में है इकबाल मेमोरियल स्कूल, ओपारा मॉडल स्कूल के भी बच्चे यहाँ आते हैं, इस्लामिक गवर्नमेंट दिदीकूट के भी बच्चे आते हैं, और कुछ गवर्नमेंट स्कूल के भी बच्चे आते हैं जो क्लासेस लेते हैं यहाँ हमारे पास। और हमने यही चाहा कि जो ये नुकसान हो रहा है एजुकेशन का, ये थोड़ा बहुत हम उसको कम करें। तो करीबन कितने बच्चे और कब ये स्टार्ट होता है और कब छुट्टी होती है? हम 9:30 बजे उसको क्लासेस शुरू करते हैं और 12 बजे तक करीब हम इसको छुट्टी करते हैं। कितने बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं? तकरीबन 300 बच्चे पढ़ते हैं। कितना बेनिफिट मिल रहा है यहाँ के जो बच्चे, और कितना महत्वपूर्ण है ये बच्चों के लिए? बेनिफिट बहुत अच्छा मिल रहा है बच्चों को, दे गेट एजुकेशन एंड द बेसिक एजुकेशन, दे आर नॉट एबल टू डिस्ट्रॉय देयर टाइम इज नॉट गेटिंग वेस्ट, they remain engaged in with their classes with their books, and parents feel it that their children are doing homework at home, and instead of roaming and instead of wandering in the villages on the roads, they came here and they take classes, they do homework at home. That is beneficial. तो आपके एक स्कूल का पिछले सालों से बहुत एक अच्छा रोल रहा है इस पूरे इलाके में, तो क्या मैसेज रहेगी बाकी स्टूडेंट्स और बाकी टीचर्स के लिए? हम बाकी स्टूडेंट्स और बाकी टीचर्स को यही मैसेज दे रहे हैं कि अगर वो भी चाहें, वो भी हिम्मत करें, और ये जो प्रिकॉशनरी मेजर्स को फॉलो करके और SOPs को फॉलो करके वो भी क्लासेस ले लेंगे, क्योंकि जो हमारा इलाका है इसमें जो ये फॉरेस्ट एरिया है ये बहुत ही काम एरिया है, कूल एरिया है, और यहाँ पे एनवायरनमेंट का बहुत एक अच्छा बेनिफिट है, एक सूदिंग एनवायरनमेंट है। इसमें सबों को कोशिश करनी चाहिए, जो लोकल जो टीचर्स हैं उनको भी सामने आना चाहिए, और अगर हम 300 बच्चों को पढ़ा रहे हैं और वो भी जो बाकी स्कूलों में बच्चे पढ़ रहे हैं, वो उनको भी काम करना चाहिए खुदा की रज़ा के लिए, और आना चाहिए यहाँ पे किसी और जगह, उनको भी क्लासेस शुरू करनी चाहिए, ताकि बच्चों को और इस कम्युनिटी जो अपने ही बच्चे हैं हमारे, दे आर आवर ओन, तो उनको बेनिफिट मिलेगा।
तो इसलिए उनसे हमें हम यही गुजारिश करते हैं कि उनको भी ऐसा काम करना चाहिए। इसमें जो है मुआवजे की कोई मतलब उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, जो मुआवजा है अल्लाह ताला इसमें देगा, ताकि अपना जो इलाका है इसमें जो एजुकेशन लॉस हो रहा है उसमें थोड़ी कमी हो जाए। बशीर अहमद डार, डीडीकूट, प्रिंसिपल इस्लामिक स्कूल डीडीकूट। तकरीबन हमारे स्कूल में 300 बच्चे पढ़ रहे हैं, ये और ये बच्चे पुशवारी, बलीपुरा, कारीहामा, पाजीपुरा, गोटिंगू, दीदीकूट चक जो है, इसके अलावा कुनन, विलगाम, गुशी, तो इतने गांवों से यहाँ पे आ रहे हैं। तो हमें जो आपने स्कूल स्टार्ट किया है, क्या समझकर आपने स्टार्ट किया? जब ये लॉकडाउन शुरू हुआ तो बिल्कुल ये जो तालीम का सिलसिला जो है ये बंद हो गया, ख़त्म हो गया। हमने सोचा कि हम इसे कैसे शुरू करें। हमने पहले छोटे बच्चों से शुरू किया, LKG, नर्सरी, UKG, फर्स्ट तक। मैंने अपने जो यहाँ पे उस्ताद ज़किराम है उनको उनके घर उन तक भेजा, ताकि ये इनको वहाँ पे होमवर्क डालें, बच्चों को अंगेज रखें, ताकि ये बच्चे मतलब पढ़ने लिखने तक ही महत्व रखें। हमने कहा कि ताकि कुछ न कुछ फ़ायदा मिलेगा, ये बच्चा अंगेज रहेगा किताबों से। तो जब पेरेंटों की तरफ से हमें अच्छा रिस्पॉन्ड मिला अल्हम्दुलिल्लाह, तो फिर हमने क्या किया, हर गाँवों में दरसगाह एक है जहाँ पे मकतब पढ़ाते हैं, हमने वहाँ से शुरू किया। पुशवारी में भी एक मकतब है, पाजीपुरा में एक मकतब है, यहाँ पे बलीपुरा में दरसगाह एक है, दीदीकूट चक में, कारीहामा में। मैंने अपने टीचरों को ग्रुप वाइज वहाँ पे भेज दिया। हमने एक एक दिन वहाँ पे ये किया कि यानी मंडे को हम कारीहामा जाते थे, इसी तरह ट्यूजडे को हम पुशवारी जाते थे। तो पूरा हफ्ता मैंने इसके साथ अंगेज रखा अपने उस्ताद ज़किराम को। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे उस्ताद ज़किराम जो है, डेडिकेटेड स्टाफ जो है यहाँ पे, इनने फुल सपोर्ट किया मुझे। बिल्कुल ये लॉकडाउन के बावजूद मतलब इतनी ये जो महामारी थी, लोग डर रहे थे कहीं जाने से, लेकिन ये उस्ताद ज़किराम शाना बशाना मेरे साथ रहे और इनने काम किया। मैं इनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। लेकिन इनने ये मतलब ऐसे हालात में काम किया, इनको मुआवजा अल्लाह से मिलेगा, लेकिन इनने मेरा साथ दिया, तब मैं ये काम कर सका। अल्हम्दुलिल्लाह ये जो इलाके के लोग हैं फुल सपोर्ट कर रहे हैं, अच्छे लोग हैं, और जहाँ तक हो सका जैसे भी हालात आए हमने कोशिश की। इलाका आप खुद जानते हैं, ये इलाका बैकवर्ड एरिया है। हमने कहा कि ये जो बच्चे हैं ये अपने बच्चे हैं, हम अगर थोड़ी सी मेहनत करेंगे कल जो है ये बच्चे जो है ये हमारा मुस्तकबिल हैं, ये हम अपने बच्चे हैं। अगर इनका टाइम अच्छी सीमित में जाता है तो कल पूरे इलाके को इसका फ़ायदा मिलेगा। और इंशाल्लाह आपने सुना भी होगा, और ये जो हमारे प्रोडक्ट जो यहाँ से निकले उनसे यहाँ पे पूरे इलाके को अच्छा फ़ायदा मिल रहा है। तो क्या मैसेज रहेगी बाकी स्टूडेंट्स के लिए, बाकी स्कूल्स के लिए, जिनके बच्चे अभी भी यहाँ से पढ़ने से महरूम है, वो सड़क पर सड़क घूम रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेज? मेरी यही मैसेज है बाकी स्कूलों से, बाकी उस्ताद किराम से, अगर वो कोशिश करें, नामुमकिन नहीं है, अगर वो कोशिश करें अच्छा काम करने तो इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है। इंसान का इरादा मजबूत होना चाहिए तो इंसान कर सकता है, और उन्हें भी ये करना चाहिए ताकि ये फायदा अपने अलग को मिलेगा। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace, Rajgharana and the finest banquet hall, Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.